टिक लगाओ चैनल को, सब्सक्राइब कर बेल वाली नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार, आज मैं आपको इस वीडियो में गर्भवती महिला का पंजीकरण कैसे करना है यही बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो बिना कुछ आगे समय व्यतीत करें मैं आपको सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप पर ही ले चलती हूँ। तो सबसे पहले अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर लेना है, उसके बाद चलिए हम ले चलते हैं अपना पोषण ट्रैकर ऐप पर। यहाँ पे हम आपको ओपन कर लेते हैं पोषण ट्रैकर ऐप। तो हमने ये ओपन कर लिया है पोषण ट्रैकर, ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले गर्भवती महिला ऊपर है, यहाँ से आपको हिंदी इंग्लिश चेंज कर लेना है। ऊपर से गर्भवती महिलाएं पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले गर्भवती महिला पर हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हमने देखा सारे गर्भवतियों का पंजीकरण किया हुआ है। यहाँ पे आप ये दिख रहा है नाम, काफ़ी गर्भवतियों का नाम दिख रहा है हमने जो पंजीकृत किया है। तो चलिए हम आपको नीचे ले चलते हैं। नीचे आपको जहाँ नए लाभार्थी जोड़े पे जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे ही ऑप्शन इस तरह का खुलेगा, यहाँ पर आप लाभार्थी का नाम, पति का नाम, आधार संख्या, स्वास्थ्य आई डी में आप कुछ भी मत डालिए। उसके बाद जन्म की तारीख आप डाल दीजिए। जन्म की तारीख डालने के बाद उसके बाद आपको नीचे डालना है जन्म का साल डाल दीजिए, कितने साल की है ये। मोबाइल नंबर लाभार्थी का डाल दीजिए या कितने माह से गर्भवती है, उसके बाद ये डाल दीजिए। यहाँ पे आपको कितने माह से गर्भवती चयन करना है। उसके बाद आपको फिर नीचे जाना है और